अभी दुनिया में ये दो चीजें हैं जो मानव ऊर्जा का लगभग 95% हिस्सा ले रही हैं, पैसा और सेक्स। जहां कहीं भी देखिए, लोग पैसे या सेक्स के पीछे पागल हैं। हर विज्ञापन, हर पत्रिका, हर किताब, क्या इसमें कुछ सही या गलत है? यहां तक कि 95% भी एक दकियानूसी अनुमान है। हाँ, लगभग 100%। गुरुजी, हम में से ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इस सवाल का सामना करते हैं, ये पैसे के बारे में है। और मनुष्य पैसों में इतना ज्यादा आसक्त क्यों है? क्या पैसों की ओर कोई स्वस्थ नजरिया है जिसे व्यक्ति विकसित कर सकता है? अगर आप इस बारे में कुछ कह सकें। पैसे में क्या बुराई है? पैसा बस एक साधन है ना? मनुष्य पैसों में आसक्त नहीं है, वो इस बात में आसक्त है कि पैसा क्या खरीद सकता है ना? ये उस सशक्तिकरण के बारे में है जो पैसा लाता है, जिसे लोग चाहते हैं। वो पैसा नहीं चाहते, बल्कि वो सशक्तिकरण चाहते हैं जो पैसों से आता है ना? भौतिक संसार में ये जो पहुंच और आजादी देता है, लोग उसे ही चाहते हैं। इसलिए बात पैसे की नहीं है, बल्कि इसके साधन रूप की है। हाँ, तो क्या पैसे के साथ कुछ गलत है? क्या गलत है? हमने ही इसे बनाया है ना? हम अब भी अपने लेन देन को चीजों की अदला बदली से चला रहे होते, क्योंकि हमारे लेन देन बहुत जटिल हो गए, चीजों की अदला बदली बहुत पेचीदा हो गई, इसलिए हमने पैसे बनाए। पैसा बहुत पेचीदा हो गया, इसलिए हमने कार्ड बनाया। तो ये बस एक साधन है, क्या इसमें कुछ सही या गलत है? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो यह आपके जीवन को आसान और आरामदायक बना देता है। क्योंकि आपकी जेब में कुछ पैसा है, इसीलिए आज आप यहां बैठकर आंतरिक विकास वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बिना पैसों के झोपड़पट्टी में होते तो आज आप यहां बैठकर शांभवी महामुद्रा नहीं कर रहे होते, है ना? आप उस घर को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे होते, या आपके घर में तैराने के लिए नाव बना रहे होते, या कुछ वैसा, है ना? क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा है, इसलिए आज आप यहां बैठ सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो या बाढ़ आने वाली हो। अगर बाढ़ आती है तो ठीक है, हम होटल में रहेंगे। Because there's little money in your pocket, this much freedom, isn't it so? क्योंकि आपकी जेब में थोड़ा पैसा है, इसलिए इतनी ज्यादा आजादी है, कैसा नहीं है? अगर आपकी जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। इसलिए पैसों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपकी जेब में पैसा होना अच्छा है, अगर वो जेब में ही रहता है तो। अगर ये आपके सिर में घुस जाता है तो ये एक विकृति बन जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये उनके सिर में घुस गया है और ये एक विकृति बन गया है। पैसे को अपनी जेब में रखना जीवन को आसान और अच्छा बनाता है। आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको कल अपनी आजीविका के लिए काम नहीं करना है तो आप एक महीने की छुट्टी लेकर ध्यान कर सकते हैं, है ना? जो व्यक्ति पैसों के लिए कल के भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर वो चाहे तो भी ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए आपकी जेब में पैसा होना बहुत अच्छा है, आपके सिर में पैसा वो एक विकृति है जो आपको नष्ट कर देगा। आपको हर चीज को उसकी जगह पर रखना चाहिए। अभी दुनिया में ये दो चीजें हैं जो मानव ऊर्जा का लगभग 95% हिस्सा ले रही हैं, पैसा और सेक्स। ये दो चीजें इस समय मानव क्षमता का लगभग 95% हिस्सा खा रही हैं। कैसा है? यहां तक कि 95% भी एक दकियानूसी अनुमान है। हाँ, लगभग 100%। जिस तरह पैसे का आपकी जेब तक होना अच्छा है, उसी तरह अगर सेक्स आपके शरीर में ही रहता है तो ये अच्छा है, पर अगर ये आपके सिर में घुस जाता है तो ये एक विकार बन जाता है। ये लोगों के सिरों में घुस चुका है, ये उनके शरीर में नहीं है, ये उनके सिर पर सवार हो चुका है। अगर ये उनके शरीर में होता तो ये हर समय नहीं होता, ये सिर्फ कभी कभी होता, है ना? ये उनके सिर में घुस चुका है और ये हर समय रहता है, ये एक रोग है।
अगर आपको पता है कि कैसे पैसे को अपनी जेब में और सेक्स को अपने शरीर में रखना है, तो आप जीवन को अच्छी तरह जिएंगे। You got both these things into your head. Now you can't live well. आपने इन दोनों चीजों को सिर पर सवार कर लिया है। अब आप अच्छी तरह नहीं जी सकते। आप एक बीमार व्यक्ति की तरह जीते हैं, क्योंकि ये भीतर से आप पर राज करता है और आपको कई अलग अलग तरीकों से नष्ट करता है। एक बार जब पैसा और सेक्स आपके सिर में घुस जाता है, तो आपके बारे में हर सुंदर बात छिन जाती है ना? क्या आपको दिखता है? इस समय पूरी दुनिया पैसे या सेक्स से रंगी हुई है, कम से कम दुनिया का सभ्य भाग। क्या ऐसा नहीं है? जहां कहीं भी देखिए, लोग पैसे या सेक्स के पीछे पागल हैं। बॉम्बे शहर में ड्राइव कीजिए और देखिए, हर विज्ञापन, हर पत्रिका, हर किताब या तो पैसा या सेक्स छाया हुआ है। क्या ऐसा नहीं है? अब ये दो चीजें अगर ये अपनी स्वाभाविक जगह पर आ जाती हैं, जहां इन्हें होना चाहिए, तो ये समस्या नहीं है, ये ठीक है, इनकी अपनी सुंदरता है। लेकिन अगर आप अपने मन में इन्हें बढ़ाते चढ़ाते हैं, तो सब कुछ भद्दा हो जाता है। इसलिए पैसा एक समस्या बन गया है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कहां रखें। इसे अपनी जेब में रखिए, यह एक अच्छी चीज है। अगर आपको तनाव, बेचैनी महसूस हो रही है, तो आपकी अपनी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। अगर आप ये समझते हैं कि सारा मानवीय अनुभव भीतर से आ रहा है, तो आप खुद को पूर्णता की ओर कैसे नहीं ले जा सकते? इनर इंजीनियरिंग का वास्तविक अर्थ है खुद को ऐसी अवस्था में लेकर आना, जहां मनुष्य होने की आपकी सारी क्षमताएं आपके लिए काम करती हों।